मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज जो मुद्दा हम आपके सामने चर्चा में लेकर आ रहे हैं वो मुद्दा है पंजाब राज्य से, मोहाली जिले से। हालांकि ये बात और है कि इस वक्त पंजाब देश और दुनिया में किसान आंदोलन को लेकर ऑलरेडी सुर्खियां बटोर रहा है, खासकर तब जब सूबे की सरकार जो कि कांग्रेस सरकार है, इस वक्त कैप्टन सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन के द्वारा अपने आप को जो केंद्र सरकार की रीति नीतियों के विपरीत लेकर चल रही थी और किसान विरोधी बिल बताकर किसानों का हितैषी बनकर ये सरकार खड़ी थी, अब पिछले दो दिनों से कैप्टन कहीं ना कहीं अपने बयानों में इस किसान आंदोलन को खत्म करने की कवायद करने में जुटे हुए नजर आते हैं। खैर, आज मुद्दा का चर्चा जो हम लेकर आ रहे हैं वो किसानों से संबंधित नहीं है, क्योंकि पंजाब में किसान ही केवल मुद्दा नहीं है, उसके अलावा भी सिविक इश्यूज हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर इश्यूज लेकर विद्यमान हैं पंजाब के हर जिलों में। ऐसा ही एक जिला है मोहाली, जिसे कि पंजाब के गेटवे के रूप में देखा जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जो कि सिटी ब्यूटीफुल पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसी का ही नेबर जिला है मोहाली, जिसकी सब तहसील अगर हम कहें तो वो आती विधानसभा क्षेत्र खरड़। और यहाँ की सबसे बड़ी कॉलोनियों में शुमार सनी एनक्लेव कॉलोनी, जो कि आज एक विडंबना के दौर से गुजर रही है। हालात ये हो चुके हैं आज कि इसका आज कोई वाली बारिश नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहें या ना काम करने की इच्छाएं, और चाहे फिर वो प्रशासन की हो, राजनीतिक रसूखदार लोगों की हो या सरकारों की हो, किसी भी व्यक्ति का ध्यान आज की डेट में ट्राई सिटी की इस बड़ी कॉलोनी के रूप को अगर हम देखें तो जो आज इतनी बड़ी कॉलोनी आज इस ट्राई सिटी में शुमार करती है, लाखों की संख्या में यहाँ पे पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, किसान वर्ग रहता है। कुछ गांव के भी एरियाज हैं जो सनी एनक्लेव में आज भी यहाँ पे विद्यमान है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जहाँ पे खेती तक होती है। हालात आज ये हो चुके हैं कि यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर अपने आप में एक जो जद्दोजहद होने लगी है कि चाहे फिर आप यहाँ से आपका घर कुराली होकर जलंधर निकलना चाहें या लुधियाना होकर निकलना चाहें या खरड़ बस स्टैंड से आगे बाईपास लेकर आप लांडरा हाईवे को लेकर और बनूर की तरफ वापस हरियाणा जाना चाहें या चंडीगढ़ आना चाहें मेन रोड, ये तो बात होगी NHAI पर, जहाँ पे सरकारें इस बात की दलील देती हैं कि ये मेन रोड है और NHAI का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल हाईवे का चल रहा है। विडंबना यहाँ नहीं रुक जाती है, ये प्रोग्राम, ये जो पुल बनने का जो टारगेट है, ये देर सवेर पूरा हो जाएगा। ये बात और है कि ये भी अपने प्रोजेक्ट में डिले बार बार हो रहा है, जिसमें अब दलीलें कोरोना को लेकर दी जा रही है। कोरोना लॉकडाउन था तो ये पुल बनने में देर। मुद्दा जो आज चर्चा में है वो ये है कि सनी एनक्लेव, जो कि किलोमीटरों में फैली हुई कॉलोनी है, अंदर भी इसके बिजली पानी और सड़कों की समस्याएं दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अर्थ प्रकाश ने प्रशासन को भी इस बारे में चेताया समय समय पर, ना सिर्फ हमने बल्कि और भी मीडिया में इसको लेकर इसकी कमियों को उजागर करते हुए बहुत सी खबरें कई बार लगाई हैं, प्रशासन को चेताने की कोशिश की है। SDM से लेकर DC दफ्तर तक लोग चक्कर काटते हैं, परेशानियां बताते हैं, ज्ञापन देते हैं। बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक इन ज्ञापन देने जाने वाली टीमों का हिस्सा होते हैं, बावजूद उन्हें केवल और केवल मिलता है आश्वासन। सनी देओल की एक मूवी आई थी जिसमें कहा था तारीख पर तारीख, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है कि सनी एनक्लेव में समस्याओं को उजागर करने के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के पॉलिटिकल हुक्मरानों के पास जाते हैं तो आपको आश्वासनों के अलावा आज की डेट में कुछ नहीं मिलता। विडंबना हो भी क्यों ना, क्योंकि सनी एनक्लेव आती है विधानसभा खरड़ के तहत, जहां का अगर MLA सीट अगर हम देखें, जो यहाँ के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से, जो कि अब निष्कासित हो चुके हैं, वो हैं कंवर पाल सिंह संधू। अब जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार है पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तैयार नहीं है कि यहाँ के उन चीजों को, उन मुद्दों को प्रखर रूप से उठाया जाए, क्योंकि अभी उनकी सीट आई नहीं। लास्ट टाइम जनता ने उनको वोट नहीं दिया, लास्ट टाइम उनका बहुमत नहीं आया, तो अभी उन्होंने उस तरफ रुझान दिया नहीं, क्योंकि अभी जो है पॉलिटिकल वेंडेटा इस तरह से देखा जा रहा है। जो विधायक खुद कहे जाते हैं, इस बात को विधायक ने खुद कई बार कहा है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, मैं जनता की समस्याएं रखता हूं कांग्रेस दरबार में, विधानसभा में भी मैंने मुद्दे उठाए खरड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही। ये खुद इस तरह के आरोप विधायक खरड़ लगाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं
सनी एनक्लेव के अंदर। तो इस कॉलोनी की विडंबना यह आ रही है कि यह आधी के आसपास कॉलोनी दी जा चुकी है नगर कौंसिल खरड़ के नाम, और आधी कॉलोनी तकरीबन आधी कॉलोनी ये अभी इसका जो कुछ हिस्सा है वो अभी भी इसके डेवलपर जो कि करनाल सिंह बाजवा सनी एनक्लेव के जो डेवलपर हैं बाजवा डेवलपर्स उनके पास है। और दलील ये दी जाती है कि इनके अभी कुछ ड्यूज हैं जो कि अभी नगर कौंसिल में जमा नहीं है और इसलिए हम अभी टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन दलील देता है। और डेवलपर्स की तरफ से कहा जाता है कि अभी उस लेवल पर डेवलप नहीं हुआ है ये हिस्सा जो कि हम नगर कौंसिल को दें। इसके बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी। आम आदमी आज जो कि यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की जायदाद अपनी आंख बना के बैठा है, अपना एक आशियाना बना के बैठा हुआ है, सुंदर घरों से सुसज्जित ये कॉलोनी अपने आप में नायाब कोठियों का, नायाब कंस्ट्रक्शन का अपने आप में एक नमूना है। लोगों ने मेहनत से अपने कमाए पैसे को यहाँ पर अपने घरों को बनाने में, अपने सपनों के महल बनाने में अपनी मेहनत कमाई को यहाँ पर लगाया है। लेकिन भाग्य की विडंबना ऐसी है कि उन घरों के आगे रोड छोड़िए जनाब, गड्ढों से आपकी सेवा होती है, गड्ढों से आपका स्वागत होता है। गाड़ियाँ बाइक वालों को अगर यहाँ पर टेस्ट राइड करनी हो, अपनी ड्राइविंग के अगर हुनर आजमाने हो, एडवेंचर करना होगा ड्राइव का, तो यहाँ की सड़कें आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट मानी जाएंगी। ऐसा सनी एनक्लेव के यहाँ पे जब खासकर बारिश के दिनों में जो हालात देखे जाते हैं। यहाँ पे बिल्डर्स हैं जो कि बाजवा डेवलपर के साथ मिलकर यहाँ पे कॉलोनीज काट रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं, कॉमर्शियल काट रहे हैं। और दलीलें दी जाती हैं कि एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, मेन बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है, न्यू चंडीगढ़ एरिया जो कि 200 फीट के ऊपर है, क्रिकेट स्टेडियम जो कि नया बन रहा है मुल्लापुर में, वहाँ यहाँ से केवल 5 मिनट की राइड पर है। ये सब USPs के साथ में यहाँ के जो बिल्डर्स हैं वो इस कॉलोनी को अपने अपने मार्केटिंग गिमिक्स के साथ में यहाँ पे लोगों को लाकर बसाते हैं, लेकिन बेचने के बाद में उनको ध्यान देने वाला कोई नहीं रह जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस लिए जाते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, EDC IDC ली जाती है, हर तरह के वो चार्जेस जो कि डेवलपमेंट या विकास कार्यों के नाम पे लिए जा सकते हैं प्रशासन द्वारा या इन बिल्डरों द्वारा, वो पुरजोर तरीके से पूरी तरह से लिए जाते हैं बिना किसी डिस्काउंट के आम आदमी से और उस इन्वेस्टर से जो यहाँ पे अपने सपनों का घर बसाने आ रहा है मेहनत की कमाई लगाकर। लेकिन ये जो बिल्डर लॉबी है, ये जो यहाँ के डेवलपर्स हैं, ये यहाँ पे सुनहरे ख्वाब दिखाकर, नए नए तरह की रोड्स दिखाकर, नए नए तरीके के प्रोजेक्ट टेबल पर सजाकर कि ये ऐसा भविष्य में होगा तो आप यहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन धरातल की स्थिति ये है कि लोगों के घरों के सामने रोड नहीं है, पार्कों में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जंगली वहाँ पे जीव जंतु निकलते हैं, सांप भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, बारिश के दिनों में नेवले और सांप आराम से देखे जा सकते हैं। पार्कों में बच्चों का छोड़िए, बुजुर्ग के बैठने के लिए टेबल की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो दूर दूर तक नहीं है, ना वहाँ पे पार्कों का मेंटेनेंस है, ना स्ट्रीट लाइट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जलती हैं। ये हालात है आज की डेट में ऐसी कॉलोनी का जहाँ से चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह का सरकारी बंगला मात्र 15 मिनट की दूरी पर है और उनका खुद का फार्म हाउस जो कि सिसवा रोड पर है मुल्लापुर में यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। ऐसे में पंजाब में विकास के कार्यों के दम भरे जाते हैं, पंजाब में विकास के कार्यों के लिए कहा जाता है कि हमने पुरजोर कोशिश करी है और पंजाब एक वाइब्रेंट पंजाब बन चुका है। ऐसी यहाँ पे दलीलें दी जाती हैं सरकारों द्वारा, लेकिन हालात ये हैं कि चिराग तले अंधेरा है आज की डेट में, और इसकी सबसे बड़ी बानगी है सनी एनक्लेव। मुद्दा चर्चा में है पर आज ये टॉपिक था सनी एनक्लेव जैसी एक बड़ी कॉलोनी जो कि शुमार रखती है ट्राई सिटी में एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कला का, जो जिसके आज बदतर हालात से आगे गुजर रही है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर हम और भी चर्चा करेंगे, पंजाब के अलग अलग शहरों से इस तरह के मुद्दों पर हम आपके साथ जरूर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।